अगर आप भी हाल फिलहाल में प्रेग्नेंट हुई हैं और चाहती हैं कि कैसे भी करके बस नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, तो आपके लिए ये 5 टिप्स मैं यहाँ पर लाई हूँ जो आपको आज से ही फॉलो करने हैं। चलिए आपको बताऊंगी कि कौन से हैं वो खास टिप्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लाइफ टॉक्स और मैं हूँ आपके साथ उज्ज्वला। बच्चे के घर में समाते ही महिलाओं के जीवन के सबसे खास अनुभव की शुरुआत हो जाती है, जिसमें उन्हें दर्द के साथ साथ अपने पेट में बच्चे की हरकतों का एहसास भी होता है। और वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आपके बेबी की ग्रोथ होती है, ठीक वैसे वैसे आपकी परेशानियां भी बढ़नी शुरू हो जाती है। और इन परेशानियों के साथ ही महिला पर नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन डिलीवरी करने का भी दबाव बढ़ता है। और अगर आप भी हाल ही फिलहाल में प्रेग्नेंट हुई हैं और चाहती हैं कि आप सी सेक्शन से ना गुजरे और सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी के जरिए ही बच्चे को जन्म दे, तो आपको ये 5 चीजों पर ध्यान देना है। जो ये टिप्स हैं उन पर अभी से आपको फॉलो जरूर करना है। पहला, हेल्दी बॉडी होना। प्रेगनेंसी के दौरान आप कुल मिलाकर हेल्दी रहती हैं, खूब सारा खाती भी हैं, लेकिन आपका वजन भी हेल्दी बना रहना चाहिए। तो जान लीजिए कि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। जी हाँ, हेल्दी बॉडी नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होती है। इसलिए अपने आप को विटामिन मिनरल इनटेक का ध्यान आपको रखना है, समय पर खाना है, और इसके साथ ही कोशिश करें कि जितना हो सके आप हेल्दी ही प्रेगनेंसी के दौरान खाएं। दूसरा खास पॉइंट जिस पर तो महिलाओं को सबसे ज्यादा ध्यान देना है, वो है स्ट्रेस। कुछ लोग कहेंगे कि लोगों का काम है कहना, लेकिन ये बात 100% सही है। चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, प्रेगनेंसी के दौरान भी हो, लेकिन अगर ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो आपको सलाह भी देते होंगे, लेकिन आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। कहीं कोई भी आपको कुछ भी कहे कि ये करना है वो करना है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। दरअसल स्ट्रेस लेने से आपके शरीर पर निगेटिव प्रभाव पड़ते हैं और इससे प्रेगनेंसी में भी दिक्कत आ सकती है, यहाँ तक कि आपका बच्चा भी उससे कनेक्ट होता है। तो हो सके तो खुश रहने की पूरी पूरी कोशिश जरूर करें। थर्ड पॉइंट, एक्सरसाइज। बहुत सी महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान बिस्तर पकड़ लेती हैं, जबकि उन्हें अपने शरीर को चलाने की नसीहत दी जाती है। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप ज्यादा भारी व्यायाम ना करें, आप हल्का फुल्का योग ही कर लें। हल्के फुल्के एक्सरसाइज आपके शरीर को एक्टिव बनाए रखने में आपकी मदद करती है। इसलिए एक जगह पर बिल्कुल ना बैठे अपने शरीर को चलाते रहें, कोशिश करें थोड़ा टहलने की, या फिर कुछ खास प्रेगनेंसी एक्सरसाइज जो होती है वो भी आप कर सकती हैं। करीबी का साथ होना। आप अपने किसी खास या फिर अपने किसी विश्वसनीय पात्र को अपने साथ रख सकती हैं, क्योंकि ऐसा करने से आप खुश भी रहते हैं। फिर चाहे वो आपके पति हो, माँ हो, बहन हो, दोस्त ही क्यों ना हो, ये आपको सहज महसूस कराने के साथ साथ आपको प्रेगनेंसी में आपके अंतिम दिनों में सही तरीके से इसको जो आपका जो टाइम है उसे काटने में मदद करेगा। और साथ ही इन दिनों अगर आप अपने किसी करीबी के साथ रहते हैं तो मानसिक रूप से भी आप स्वस्थ रहते हैं। मानसिक रूप से भी आपका ठीक होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो कि आपके पूरे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद भी होता है। पांचवा खास पॉइंट है लेबर इंजेक्शन। अब देखिए, बहुत सी महिलाओं को 41वें सप्ताह तक लेबर पेन नहीं होता, जिसकी वजह से ही डॉक्टर इंजेक्शन या फिर दवाओं के जरिए लेबर पेन को पैदा करते हैं, और कभी कभार इसकी जरूरत भी होती है, लेकिन इस प्रक्रिया की वजह से आपका शरीर तैयार नहीं हो पाता। बिना किसी चिकित्सा कारण के इन सब तरीकों का इस्तेमाल आपको नॉर्मल डिलीवरी से दूर ले जाता है। इसलिए हेल्दी प्रेगनेंसी के साथ साथ इस दौरान आप किसी भी प्रकार के लेबर इंजेक्शन से जरूर बचें और इस प्रकार की किसी दवा लेने से भी जरूर बचें। तो ये 5 टिप्स आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान जरूर फॉलो करनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगी उन खास एक्सरसाइज की जो आप प्रेगनेंसी के टाइम पर कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। ऐसी खास जानकारियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें गुड लाइफ टॉक्स।